प्रॉब्लम, अब मुझे लगा कि भाई गाड़ी ठीक हो गई है तो कोई बात नहीं, चलो जो पैसे देने हो तो बनते ही हैं। उसके बाद मैं गाड़ी ले आया, और गाड़ी जब मैं लेके आया तो मैंने जब देखा इसमें तो भाई चू चू की आवाज आ रही है, तो मुझे लगा कि ये है क्या। तो मैंने एक दो बंदों से सजेशन ली कि ये कैसे आ रही, तो उन्होंने कहा कि आपके शॉकर जो बेंड हुए थे वो ठीक नहीं हुई है। तो फिर मैंने पंकज को कॉल किया, मैला भाई पंकज भाई ये क्या है, बोला ओहो हमारे पास मैकेनिक ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई साहब आप बता दो सकते थे यार, आप गाड़ी एक महीना और रख लेते, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मतलब उन्होंने पैसे सारे ले लिए और शॉकर जो चेंज करना था वो चेंज किया नहीं। तो मतलब ये है कि भाई आप जब भी इन केस कभी आपके साथ फ्यूचर में ऐसा होता है तो कभी किसी पे विश्वास मत करना, हो सके तो आप पहले पूरा ड्राइविंग चेकअप जो भी टेस्ट उस्ट भी जो भी गाड़ी का चेकअप वगैरह होता है वो करवा लेना एक बार चेकअप वगैरह, तो उसके बाद आप उसको जो पैसे देने होंगे जो बनते हैं वो देना, ये नहीं कि जल्दी में आप उसके पैसे दे दो। तो जैसे ही मैंने अभी आप लोगों को मेंशन किया कि नैनीखड्ड में जो पानी का जो रिसोर्स है वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट इनफैक्ट ट्रक ने मुझे हिट कर दिया, जो ट्रक वाला था वो फुल्ली ड्रंक था, तब से मुझे अब रास्तों में चलते ड्राइविंग करते भी डर लगता है, मैं किसी ट्रक वाले को देखता हूँ तो मुझे डर सा लगता है। तो मैं नैनीखड्ड इस वीडियो में मैं नैनीखड्ड वाले लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। जब ट्रक वाले ने मुझे हिट किया उन्होंने ट्रक वाले को पकड़ के रखा, और तब तक पकड़ के रखा जब तक पुलिस नहीं आई, और जैसे ही पुलिस आई पुलिस को हैंडओवर करते ही 5 मिनट बाद ट्रक ड्राइवर रफू चक्कर हो गया। तो आप देख सकते हो हमारी हिमाचल की तो पुलिस अच्छी होगी, लेकिन बकलो पुलिस है जो वहाँ के इंचार्ज थे, क्या नाम था उनका, राजपाल ठाकुर। तो वो जैसे ही आए हमने भाई ट्रक वाले को उन्हें हैंडओवर किया, और 5 मिनट बाद मैंने पूछा कि साहब ये ड्राइवर कहाँ है, बोला यही होगा यही का, वो ड्राइवर तो पता नहीं कटोरी बंगला भी शायद क्रॉस कर चुका था। फिर वो हमें झूठी तसल्ली देते रहे कि ऐसा हो ऐसा करो वैसा करो, अब मुझे लगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, बस टाइम की बर्बादी हो रही है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे FIR दर्ज नहीं करवानी है, तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखवा लिया मुझसे कि भाई चलो मैंने कोई FIR नहीं करवानी है। उन्होंने ऊपर अपने ऊंचे आला अधिकारियों को भी फोन किया, पर नेट रिजल्ट क्या है, जब ड्राइवर ही भाग चुका है तो कुछ नहीं हो सकता, ट्रक वहीं छोड़ के वो ड्राइवर भाग गया था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो मैंने वो चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया। तो बड़े दिनों से मेरा ये भड़ास थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पे, एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट मैं इसमें भड़ास निकालना चाहता था कि कभी भी इन फ्यूचर, चलो आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो, इनकेस अगर कभी ऐसा होता है तो किसी पे भी विश्वास मत करना। जब भी इनकेस होता है ड्राइवर को पकड़ के रखो, अगर वो ड्राइवर भाग गया तो आपको कोई क्लेम मिलेगा नहीं, तो कोशिश करो कि ड्राइवर को पकड़ के रखो। पुलिस वाले के अगर आप सुपुर्द भी कर देते हो तब भी ड्राइवर पे नजर रखो। और दूसरा मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे आप गाड़ी की इनकेस जाते हो कभी ऐसा हो जाता है तो हुंडई सर्विस सेंटर में ही करवाओ, जहां तक मेरा मानना है। और ऐसे बाहर जो ये साई ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सिर्फ इनका काम लूटना है, पैसे बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो प्लीज ऐसे जो है ना क्या बोलते हैं बाहर जो सर्विस सेंटर है उनसे आप सावधान ही रहो। अगर इनकेस आप बाहर दे देते हो तो सावधान रहो, हर चीज कोई मतलब चेकअप के बाद ही आप अपने पैसे निकालो। और एक बात इंश्योरेंस की होती है कैशलेस, मुझे उसी दिन पता चला जब मेरी गाड़ी का हिट हो गया कि आपकी जो इंश्योरेंस होनी चाहिए वो कैशलेस होनी चाहिए। मैंने बनीखेत में नितिन है, नितिन से ये करवाई थी मैंने, तो मैंने उस दिन पूछा भाई मेरी कैशलेस है कि नहीं, बोला नॉर्मल है यार। मैंने कहा जब मैंने पैसे पूरे देने हैं तुम मुझसे ले ले जितने मांगता, 5-10 हजार अगर ज्यादा लगते हैं, अगर आपकी सेफ्टी है और तो वही बेस्ट है। अब उसने बोला कैशलेस नहीं है, तो मैंने हुंडई सेंटर चंबा में रिंग किया, तो मैंने बताया भाई मेरी कैशलेस नहीं है। तो उसने बोला कि भाई पहले अगर कैशलेस नहीं है तो जितना कॉस्ट आएगा वो आपको देना पड़ेगा, और वो हम यहाँ से बिल बना के भेजेंगे और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई एट ए टाइम इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि जब भी आप इंश्योरेंस कराओ तो कैशलेस ही कराओ, और किसी ऑथोराइज जो इंश्योरेंस एजेंट है उससे करवाओ, जल्दबाजी में मत करवा लो। पता चले आपकी जब ऐसी जो सिचुएशन मेरे पे आई है और पता चले कि मेरी तो कैशलेस ही नहीं है, तो
काफ़ी मुश्किलें आ जाती है। तो फाइनली 3:10 हो गए हैं और हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है। तो यहाँ मेरे पीछे कुछ गाड़ियों के मॉडल्स खड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इन पे भी एक छोटी सी ब्लॉगिंग की जाए। मुझे अभी भाई, क्या नाम है आपका? ये सचिन भाई मिले हैं। तो ये आपको अभी गाड़ियों के बारे में बताएंगे कि ये गाड़ी मतलब इनका प्राइस क्या है और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो चलो मैं आपको आगे इनकी स्पेसिफिकेशन और इनका प्राइस बताता हूँ। सचिन भाई, ये कौन सा मॉडल है? ये बेस्ट मॉडल है आई10 का। अच्छा अच्छा, तो इसका प्राइस क्या है? इसका अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका? ये कंप्लीट पड़ जाती है 680 की ऑन रोड। 680 की ऑन रोड ना। अच्छा अच्छा, कौन सा मॉडल है ये वाला? ये मैग्ना मॉडल। मैग्ना, अच्छा बेस मॉडल है ना ये। ओके ओके, तो कलर में यही आता है कि और भी कलर्स हैं इसमें? कलर इसमें 2-3 कलर और भी आते हैं, तो ग्रे, सिल्वर, व्हाइट। और इन केस अगर किसी दूसरे को भी मुझे कोई और कलर लेना है तो कितना टाइम लग जाता है आते आते? मतलब जैसे उसके साथ देखने पड़ती है ना गाड़ी स्टॉक में, अगर अवेलेबल हो तो 1-2 दिन में। हाँ जी, अगर स्टॉक में नहीं हुई तो 10-15 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो अवेलेबिलिटी हो जाती कि नहीं हो जाती? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी ये। चलो, तो मैं दूसरा, ये कौन सा मॉडल है? ये ओरा एस मॉडल है। अच्छा, ओरा का एस मॉडल है ना। तो क्या प्राइस क्या है इसका? 7.5 लाख। ये बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल है, कौन सा है ये? ये बेस है, ऊपर है। अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये सामने मेरे ख्याल से ये तो सेंट्रो लगी हुई है ना ये, तो इसका क्या प्राइस चल रहा है सेंट्रो का? 6.5 लाख ना। तो ये रहा ग्रैंड आइटन, कौन सी है ये? सॉरी, मेरे में ग्रैंड आइटन आ रही है, ये सेंट्रो, ओरा और वो नियोज। ये ओरा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। तो ये क्या अभी लॉन्च हुई, कब हुई ये? अच्छा अच्छा, तो ये लग चुकी है अपनी गाड़ी। अब इसके अंजर और पंजर सब खुलेंगे और शॉकर चेंज होगा। तो चलो करते हैं वेट, शायद 1 घंटा लग ही जाएगा। और 3:15 हो गए हैं तो बोल रहे 1 घंटा लग जाएगा। चलो वेट कर लेते हैं।